इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना पूरा कर लेंगे। दूसरा विषय आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स है। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। We're going to quickly go back to Arun and get a quick. राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय, सभी का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत में लागू सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त दंगल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, क्योंकि सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। इस पर आपको आगे भी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन दंगल की बहस आज बंगाल के चुनावी घमासान पर होगी। उसके पहले पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन में भी काफी चीजें डिटेल बताई गई है और हमारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई है और इस दरमियान कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। साथियों, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1965 में शास्त्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एक कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसका जिक्र मैं यहां आपके सामने करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नेंस एज आई सी इट इज टू होल्ड द सोसाइटी टूगेदर सो दैट इट कैन डेवलप एंड मार्च टवर्ड्स क्रिएशन मार्च टवर्ड्स सर्टेन गोल्स। The task of the government is to facilitate this evolution, this process. मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सिख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया और इस दरमियान संवेदनशीलता के साथ त्वरित फैसले भी किए गए, जरूरी संसाधन भी जुटाए गए और देश की जनता को निरंतर हम लगातार जागरूक भी करते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस ना हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का।
जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है, और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं, और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है। और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे, साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे, और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। कई लोग कहते थे, देखे दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई, लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और देश के लिए जिम्मेवार लोग हैं, उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा, और हम उसी दिशा में चले हैं। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण, 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। आप सभी परिचित हैं कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉजिस्टिक तक की तैयारियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके, लगातार मीटिंगें करके, मॉड्यूल्स बना करके इसको पूरा किया गया है।
देश के लगभग हर जिले में ड्राई रन्स भी पूरे हो चुके हैं। इतने बड़े देश में सभी जिलों में ड्राई रन्स हो जाना, ये भी अपने आप में हमारी काफी बड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है। हमारी जो नई तैयारियां हैं, जो कोविड के एसओपीज हैं, उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है। भारत में पहले से ही अनेक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे लोग बड़ी सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं। मिशन्स रूबेला जैसी बीमारियों के खिलाफ भी व्यापक कैंपेन हम लोग चला चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कोने कोने तक पहुंचकर मतदान की सुविधा देने का भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसके लिए जो बूथ स्तर की रणनीति हम बनाते हैं, उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है। साथ ही इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है, जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भीर इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक और अहम तथ्य है जिसका हमें ध्यान रखना है, दुनिया के 50 देशों में 3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। करीब करीब एक महीना हुआ, लेकिन अब भी करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ही वैक्सीन हो पाई है पूरी दुनिया में। उनकी अपनी तैयारियां हैं, उनका अपना अनुभव है, उनका सामर्थ्य है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले से ही इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास रहता है। कोरोना टीकाकरण के लिए इसको और मजबूत किया गया है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें यह भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। थोड़ा सा भी लूजनेस नुकसान कर सकता है। और यही नहीं, जिनको टीका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हम लेते रहे हैं उनको फॉलो करते रहे, ये सुनिश्चित करना ही होगा। एक और बात जिस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इप्स और बट से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक सारथी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं।
कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, NYK हो, NSS हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। जो हमारी रूटीन स्वास्थ्य सेवा है, जो दूसरे टीकाकरण अभियान, वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे 17 को एक रूटीन वैक्सीन का भी डेट है, तो इसलिए हमारा जो रूटीन वैक्सीन का काम चलता है वो भी कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए। आखिर में एक और गंभीर विषय के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहता हूं। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य है केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है, ताकि पक्षियों के बीमार होने की जानकारी प्राथमिकता पर मिले। बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो लेबोरेटरीज हैं, वहां समय पर सैंपल भेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानीय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई कर पाएगा। वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के बीच जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा, उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्लू के नियंत्रण में सफल होंगे। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैले, इसे भी हमें देखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एकजुट प्रयास हर चुनौती से देश को बाहर निकालेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत आभारी हूं और 60% काम होने के बाद हम दोबारा एक बार बैठ करके रिव्यू करेंगे, उस समय जरा विस्तार से भी बात करेंगे और तब तक कुछ नई वैक्सीन आ जाए तो उसको भी हम संज्ञान में लेकर के आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन रोल आउट प्लान और बर्ड फ्लू को लेकर जो अफरा तफरी का माहौल है उस पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कर दी है कि पहले दौर में 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को जो वैक्सीन दी जाएगी वो सरकार की तरफ से होगी, यानी कि उसके लिए पैसा सरकार देगी। और साथ ही टीके को लेकर चल रही अफवाहों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि ऐसी तमाम अफवाहों को नाकाम करना है। पीएम ने कहा कि 2 वैक्सीन आ चुकी हैं, पूरी दुनिया की नजर भारत के इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर है, लिहाजा ये राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका रियल टाइम डेटा केंद्र सरकार के साथ सार्वजनिक करें। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया भर में सबसे सस्ती भारतीय वैक्सीन है, टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय हो चुकी है, किस तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम होगा, कैसे कैसे रोल आउट होगा, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखी हैं, ये बताते हुए कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीके का खर्च फिलहाल केंद्र सरकार देगी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा पीएम ने कि टीके को लेकर अफवाहों से सावधान रहा जाए और राज्य सरकारों को उन्होंने ये अपील की है कि टीके के बारे में जो भी अफवाहें फैल रही हैं उनको नाकाम करना सरकारों की जिम्मेदारी है।